इंदिरा हृदयेश की निधन, पार्टी में शोक की लहर। कुमाऊं मंडल की मसीहा मानी जाती थी इंदिरा हृदयेश। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक। यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश के सिलसिला जारी। विधानसभा चुनाव की वजह से हलचल। दीपक कुमार ने ली कांग्रेस में सदस्यता। जिला मंत्री का पद किया ग्रहण। कलियर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। परमिशन की आड़ में अवैध खनन। खनन माफियाओं पर कार्यवाही कब। किच्छा में 20 लाख के चरस बरामद। पिथौरागढ़ में तैनात 2 सिपाही गिरफ्तार। बाकी तस्करों की तलाश जारी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस के कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि वह दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वरिष्ठ राजनेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा हृदयेश ने पिछले 4 दशक से यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं इंदिरा हृदयेश के निधन पर तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम दोनों ने मिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी थी 2000 और 2002 तक। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो सीएलपी लीडर थे, और रात दिन उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था, और एक मार्गदर्शक भी थी, एक गार्जियन भी थी। इंदिरा हृदयेश जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए। पुलिस अधिकारी के निर्देश पर थाना बहादुराबाद क्षेत्र के व्यापार मंडल के सदस्यों और स्थानीय व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई। इस बैठक में व्यापार मंडल ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि अपनी दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए जाएं, दुकानों के सामने एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान न देने की जानकारी भी दी जाए। कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। जिन दुकानों पर खोलने की उन्हें परमिशन दी गई है, उन्हीं दुकानों को निर्धारित समय पर खोला जाए। जो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 के चलते ग्राम सोहलापुर में डॉक्टर रतनलाल एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से पहल की गई है। सोसाइटी की ओर से ग्रामीणों को गांव-गांव पहुंचाकर दवाइयां और मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर मरीज बुखार और फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। हमारे द्वारा गांव-गांव में जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं और निःशुल्क दवाइयां बांटी जा रही हैं। ये कैंप हमने पहले भी लगाया है, सिकंदरपुर भी लगाया है, अब सोनपुर लगाया, आगे हाजीपुर लगाएंगे और मंगलोर। निःशुल्क दवाइयाँ दे रही है, गांव-गांव में हम बता रहे हैं किस तरह से कोरोना खतरनाक बीमारी है। मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए बार बार हाथ धोजिए, और निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। किसी को बीमारी कुछ वैसी है, बरसात आ रही है, खाज खुजली आ रही है। पिथौरागढ़ के डीडी हाट तहसील के अंतर्गत वनराजी आदिम जाति समुदाय के लोगों का अब वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दरअसल यह समुदाय वनों में रहते हैं और सालों से यहां रहने के बावजूद भी इनके नाम पर एक टुकड़ा जमीन भी नहीं है। इनकी बोली भाषा भी बहुत अलग है। हालांकि यह समुदाय हिंदी भी बोल लेते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होने के कारण इनको कहीं भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एक जनहित याचिका पर कोरोना काल को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इस समुदाय के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए थे और टीम ने यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कड़ी मशक्कत की है। हमारी अर्पण संस्था जो है विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है, जहाँ पर हमारे पिथौरागढ़ जिले में 9 गांव हैं। इनके लगभग 650 की जनसंख्या है।
ये लोग काफ़ी अंदर जंगलों में रहते हैं, तो इनको वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। जब हम लोग गए, इन गाँव में जाते रहते हैं हमारे कार्यकर्ता, तो वहाँ पर इनको जब इसके बारे में बताया तो पता चला कि कई लोगों में बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग कहते हुए मिले कि नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये बहुत गलत किस्म की जानकारी इन लोगों के बीच में जा रही है। इस बीच में विभाग वाले लोग गए उनके बीच में वैक्सीनेशन के लिए, मेडिकल टीम गई। तो उत्तराखंड में प्रशासन की लचर व्यवस्था ने एक व्यक्ति को परेशान कर दिया है। दरअसल लगभग एक महीने पहले भारी बारिश के चलते प्रेमदास के सर से छत छिन गई है। ताज्जुब की बात तो यह है कि घटना की सूचना के बावजूद भी सरकारी सिस्टम इतना लचर नजर आ रहा है कि अभी तक पीड़ित की कोई भी सुध नहीं ली गई। छत जाने से परेशान पीड़ित ने जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई थी। अधिकारी का कहना है कि समस्या का संज्ञान लेते हुए तत्काल तहसीलदार गजा को घटना के संबंध में पत्र भी लिखा गया और तत्काल पीड़ित प्रेमदास को मुआवजा राशि दी गई और पीड़ित को अस्थायी रूप से रहने का ठिकाना उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। वहीं प्रधान संगठन के महामंत्री आशीष रणाकोटी के प्रयासों से पीड़ित प्रेमदास के चेहरे में उम्मीद की किरण जागी है। इस तारीख को ग्राम रणाकोट में प्रेमदास जी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था पूर्ण रूप से, जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित पटवारी पालगढ़ को दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। जिस संबंध में उन्होंने आज मुझसे संपर्क किया और मैं रणाकोट में आ रखा हूँ और हमने यहाँ पर देखा है कि पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। दो कमरों का मकान है। मकान के अंदर जो भी सामान था, उनके बिस्तर थे रहने के लिए, भांडे बर्तन जो भी थे, सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनके रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में हमने आज तहसीलदार गजा को आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनकी मदद जल्द की जाए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर। तो नरेंद्रपुर से ये मामला सामने आया है जहां पर सरकारी सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारी बारिश के चलते एक परिवार के सर से छत छिन गई, जिसके बाद लगातार पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगा रहा है, पर किसी ने भी इस पीड़ित की सुध नहीं ली है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीड़ित का मकान पूरी तरह से बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक पीड़ित की मदद नहीं की गई है। पीड़ित अपने परिवार के साथ खुले में सोने को मजबूर है। कलियर के गांव बेटपुर में मिट्टी के खुदाई की परमिशन शासन के द्वारा दी गई है, लेकिन परमिशन की आड़ में खनन माफिया कहीं से भी मिट्टी उठाकर अपना अवैध खनन का धंधा जोरों पर चला रहे हैं। आरोप है कि इस खनन माफियाओं को रोकने के लिए शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है। कई गुना खनन करके ये माफिया प्रशासन को काफी समय से चूना लगा रहे हैं। खुदाई की परमिशन के कागज को खनन माफियाओं ने अवैध खनन का लाइसेंस बना दिया है, जिससे शायद जिला प्रशासन के आला अधिकारी बेखबर है। अब जिला प्रशासन द्वारा दी गई परमिशन की आड़ में अवैध मिट्टी की खुदाई कर रहे माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, लोगों को सिर्फ इसी बात का इंतजार है। ये ऑलरेडी जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी, उनको मेरे द्वारा दो तीन बार समझा भी दिया गया है कि जिस व्यक्ति को जितनी परमिशन इशू की गई है डीएम सर के सर से, अगर उससे ज्यादा उसके द्वारा मिट्टी की उठान किया जाता है तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। जो बीड़पुर में परमिशन इशू की गई है, उनको 6,300 घन मीटर की परमिशन दी गई है, उसके दो से तीन बार, अभी आई थिंक 7 to 8 days हुए उनको परमिशन दिए हुए, उन तीन बार मौके में इंस्पेक्शन करवाया जा चुका है। कल तहसीलदार को मौका विजिट के लिए भेजा गया था, तो टोटल 4,500 घन मीटर उनके द्वारा कल तक उठान किया गया था, तो उस पर प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है, तो ये प्रश्न ही नहीं बनता है कि उसको ज़्यादा उठान। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर धनौरी में दीपक कुमार लांबा ने कांग्रेस की सदस्यता ली और जिला मंत्री पद का पद ग्रहण किया है। जिला मंत्री पद का पद ग्रहण करते ही दीपक कुमार सिंह ने बताया कि वह पार्टी में एकता और जोड़ने का काम करेंगे और वह जनता की सेवा करेंगे। वहीं इंदिरा हृदयेश के निधन की वजह से भी दो मिनट का उन्होंने मौन रखा और मौके पर मौजूद सभी साथियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए दुख व्यक्त किया। तो धनौरी में आज विधानसभा चुनाव से पहले तेज हलचल देखने को मिली है, जहां दीपक कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें कि
आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिसके बाद आज धनौरी में दीपक कुमार लांबा ने कांग्रेस की सदस्यता ली और जिला मंत्री पद भी ग्रहण कर लिया। जिला मंत्री के पद पे सदस्यता ग्रहण करने श्री धर्मपाल जी को और ये हमारे गांव धनौरी से हैं और आज इनके आवास पर ये मीटिंग की गई थी और हमारी प्रतिपक्ष नेता श्रीमती इंदिरा हरदेश जी निधन हो गया है, इसलिए ये सभा है जो चमोली के कुलसारी क्षेत्र में काफी समय पहले मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से ठगी की गई थी और व्यक्ति से लाखों रुपए लेकर शातिर ठग फरार हो गए थे। पीड़ित ने कहा कि पुलिस में शातिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन कोई भी इसका फायदा उन्हें नहीं हुआ। पुलिस अभी तक ठग को के खिलाफ कार्यवाही करने में असफल हो रही है। ठगों की गिरफ्तारी के लिए थाना थराली द्वारा गठित पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे एसआई विनोद चौरसिया ने बताया कि मुख्य आरोपी ठग को अमेठी जिले में एक घर में मुंशीगंज थाना पुलिस के साथ मिलकर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद उसे चमोली लाया गया। वहीं अन्य आरोपी ठगों की तलाश की जा रही है। तो चमोली में एक मामला सामने आया जहां पर मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर एक युवक के साथ ठगी की गई। वहीं युवक ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई जिसके बाद से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि इस ठगी में शामिल एक ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी के अनुसार कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त कर वार्षिक परीक्षाएं कराई गई थी। कुलपति ने कहा कि वार्षिक परीक्षाएं छात्र हित में नहीं है, इसे देखते हुए कार्य परिषद की बैठक में सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले पर प्रदेश मंत्री काजल थापा ने कहा कि जिस समय सेमेस्टर सिस्टम वापस लिया गया था उस समय की मूलभूत सुविधाओं में और आज की मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो बहादुराबाद में आज कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि विद्यार्थी परिषद की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था जिसके बाद आज ये जानकारी दी गई है जहां पर बताया गया है कि एक बार फिर से सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सेमेस्टर सिस्टम को वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए खत्म कर दिया गया था जिसके बाद एक बार फिर से इसे लागू कर दिया गया है। बाजपुर में ग्राम पंचायत चकरपुर में रेलवे वैकल्पिक मार्ग को बंद कर दिया गया। बता दें कि इस रास्ते के बंद होने से ग्रामीणों को 5 किलोमीटर अतिरिक्त चलकर शहर के लिए जाना पड़ता है जिससे चकरपुर के ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार बंद गेट संख्या 20 पर अनशन भी दिया जो 40 दिनों तक चला था। इस मामले में कैबिनेट मंत्री के बेटे अतुल पांडे ने मंत्री अरविंद पांडे के जल्द अंडरपास निर्माण के आश्वासन पर ग्रामीणों का अनशन बंद करा दिया था। वहीं आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पिछले विधानसभा चुनाव में जारी घोषणा पत्र में भी अंडरपास का जिक्र किया था, उसके बावजूद भी अंडरपास नहीं बना है, इसलिए अब उनके खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से समस्या में है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये अंडरपास की एक लंबी मांग है जो पिछले चुनाव में भी इनके घोषणा पत्र में था, इनके मुख्य वादों में से एक था, लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी मंत्री जी सोए हुए हैं, उनका ध्यान क्षेत्र की समस्याओं की तरफ नहीं है, इसलिए चकरपुर के साथियों के आह्वान पर हम सब लोग ऋषिकेश के श्यामपुर मंडल के युवा मोर्चा टीम द्वारा कांग्रेसियों का पुतला फूंका गया। युवा मोर्चा का आरोप है कि कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों ने तिरंगे का अपमान किया था, जिसको लेकर आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के श्यामपुर मंडल टीम द्वारा कांग्रेसियों का पुतला फूंक कर आक्रोश जाहिर किया गया है। कोतवाली पुलिस ने 20 लाख की चरस के साथ पिथौरागढ़ में तैनात 2 पुलिस के सिपाहियों सहित 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चंपावत में तैनात एक और सिपाही के इस मामले में शामिल होने की बात सामने आई है।
वहीं चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से दो कार भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। तो किच्चा से बड़ा मामला सामने आया, जहां पिथौरागढ़ में तैनात दो सिपाहियों को 20 लाख की चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यह बड़ा मामला सामने आया है। थाना किच्चा पुलिस ने 8 किलो चरस की बरामद की है। इसमें दो लोग हमारे विपुल सैला और पीयूष खड़ा है, एक खटीमा के रहने वाले हैं, ये मेडिकल लाइन में जो है अमार के रूप में काम करने वाले थे, जो दर्दी में काम कर रहे थे लोग। इनसे 1 किलो बरामद हुआ है। इनसे एक होंडा एमेज गाड़ी है UK04S2114, उसमें 1 किलो बरामद हुआ है। दो लोग अन्य पकड़े गए हैं इनके साथ, और लगभग उसमें 7 किलो चरस की बरामद हुई है। दोनों कांस्टेबल हैं पिथौरागढ़ जनपद के। एक का नाम 83 AP दीपक पांडे है, दूसरा 180 AP प्रभात सिंह। इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए किच्चा से हमारे संवाददाता गोपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गोपाल बताइए, क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैं मामला उधम सिंह नगर क्षेत्र किच्चा तहसील का मामला है, जहां दो पुलिस कर्मी सहित दो और अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया है और दो अलग अलग कारें भी बरामद की गई है, जिसमें दो पुलिस वाले जो पुलिस पिथौरागढ़ जिला थाने में तैनात थे, उनके पास से 7 किलो समथिंग गांजा पकड़ा गया है, और दो अन्य लोग थे जो उन्हीं के साथी बताए जा रहे थे, उनसे 1 किलो प्लस गांजा पकड़ा गया है। और यहाँ उधम सिंह नगर SSP के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है कि ये दो पुलिस वाले पिथौरागढ़ जिले थाने में तैनात थे, और इसके साथ गहरी पूछताछ करने पर एक पुलिस वाले का और नाम आया है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। तो गोपाल, इस मामले में बड़ी बात देखने को ये मिली है कि इसमें 3 पुलिस वालों का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जी मैम, ये काफी बड़ी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं उत्तराखंड के लिए और पुलिस के लिए। एक शर्मनाक बात है, जो जिसमें ये लोग लिप्त पाए जा रहे हैं कि चरस गांजा वगैरह स्मगलिंग में। गोपाल, आगे जो गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी हैं, इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? मैम, इनके खिलाफ कार्रवाई के तहत ये NDPC के एक्ट तहत इनके अरेस्ट कर को केस लिखकर और इनको जेल भेजा गया है, और आगे जो इनका मुख्य सरगना था, जिसने सप्लाई किया था इनको गांजा, उसके लिए छानबीन की जा रही है। और फिर उधम सिंह नगर के दलीप सिंह कुंवर के SSP जो है यहाँ के, उनके द्वारा बताया गया कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, स्पष्टीकरण होगा। तो जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किच्छा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहाँ आज किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहाँ 20 लाख के चरस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के चाय बागान में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव को देखने के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। अरे यहाँ से कल हम तो मैं काम पे जा रखा था, कल 5 बजे यहाँ से गाड़ी लेके निकला था ये, हमें बाकी के बात का कुछ पता नहीं है। रात को पुलिस आई, पुलिस ने मेरे को जगाया तो हमें पता लगा। कितने बजे पता लगा? 2 बजे करीब। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि गुडरिच चाय बागान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, तो सूचना पे पुलिस गई थी। तो इसका नाम जो है सौरभ उर्फ सागर निवासी लक्ष्मीपुर का पता चला है। इसके घर वालों, इसके भाई की तरफ से, रोहित की तरफ से यहाँ मर्डर। अपराधों को लेके कहीं पीछे नहीं है। एक मामला विकास नगर तहसील के गुडरिच का आया है। मैं अभी मौजूद हूँ गुडरिच चाय बगान में, जहाँ पर कल एक युवा की जो है कुछ लोग युवाओं ने हत्या कर, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जरा दिखाए कहाँ पर जो है उस युवा को जो है उसकी हत्या की गई थी, और यहाँ पर भी उसके खून के निशान है। साहब आपको जो है तस्वीरें बयां कर रहे हैं, और
सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो गुडरीच जो चाय बागान है, ये नशेड़ी और जुआरियों का अड्डा बन गया है। और यहाँ पर आए दिन जो है नशेड़ी और जुहरी जो है यहाँ पे किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। एक खबर है हमारी स्थानीय पुलिस, आइए जानते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं जैसे आज की घटना को जो अंजाम दिया गया है। क्या कहेंगे सर? ये जो निर्गम हत्या हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और पुलिस प्रशासन से पहले भी हम कई बार गुहार कर चुके हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, आप पुलिस की गश्त बढ़ाइए, मोबाइल वैन रात में ज़्यादा घुमाइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आवागमन कम है, इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो पुलिस को रात्रि में जो है इसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन कल लक्ष्मीपुर निवासी सौरभ कुमार पुत्र राजकुमार को उसके कुछ जानकारों द्वारा बुलाया गया और धोखे से उसकी निर्गम हत्या कर दी गई। यह लड़का मात्र 23 वर्ष का है और इसके परिवार और गांव में बहुत इस समय शोकाकुल, बहुत ज़्यादा मतलब लोग वो हैं, पीड़ित हैं इस समय। इस घटना के संबंध में कोतवाली विकास नगर कोतवाल से बातचीत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया, जबकि घटना स्थल से 2 मोबाइल और चप्पल की जोड़ियां और जो प्लेटें हैं 4 वो मिली हैं। और इस क्षेत्र में विकास नगर क्षेत्र में नशा अपनी चरम सीमा पर है, पुलिस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, नशा की वजह से, नशाखोरी की वजह से इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। ये गुडरीच टी स्टेट है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सड़क के किनारे से बागान में आकर नशा करते हैं और फिर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। सचमुच गुडरीच चाय बागान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिन घटनाओं का अभी पता नहीं लगा है, और हमारी पुलिस भी जो है ये जो कल की घटना है उसकी तहकीकात जारी है। अब देखना कि आने वाले समय में जो घटना करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं युवक की, वो पकड़े जाते कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम मसूरी के शिफन कोर्ट के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक राजीव रेथान ने बताया कि मसूरी से देहरादून जाते हुए लाइब्रेरी के पास शिफन कोर्ट के समीप एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर नीचे खाई में गिर गई। कार में सवार 4 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में एक व्यक्ति और 3 महिलाएं थीं। कार गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, वहीं खाई से रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकालकर एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शिफन कोर्ट के पास एक गाड़ी गिरी थी, कोई थोड़ी देर पहले पता चला था, तो उसमें एक फैमिली थी जिसमें एक पुरुष और 3 महिलाएं थी। गाड़ी करीब 250 मीटर नीचे गाड़ी खाई में गिर गई थी, तो 3 महिलाएं हैं जिनको बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। एक पुरुष है जिनके मुख्य एक्सपायर हो गए हैं, उनकी बॉडी जो है निकलवाई जा रही है और पंचायतनामे के लिए सिंगल। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे सर? अभी जितना प्रकाश में आया है तो ये पता चला है कि देहरादून की तरफ से आ रहे थे। तो मसूरी से वापस लौट रहे थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या की से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे फिंगरप्रिंट्स और अन्य चीजों को इकट्ठा कर लिया। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि मृतक उजाला नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं प्रथम दृष्टया में हत्या का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। एसओजी और पुलिस की अन्य टीमें मामले के खुलासे को लेकर काम कर रही हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बरेली रोड एक बगीचे पे आज सुबह एक शव के होने का पता चला। पुलिस बनभूलपुरा की मौके पे पहुंची है, शव की शिनाख्त हो गई है, सोनू नाम के एक व्यक्ति की है जो कि उजाला नगर का रहने वाला है। जो प्रथम दृष्टया बॉडी के एग्जामिनेशन पे जो चीज़ पता चल रही है उसमें गले में निशान है रस्सी के, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या की गई है। परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं, पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चलेगा। और
और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।